आगे रख लेंगे। ये आ गई मायनीज। ओए ओए ओए, मैं इसीलिए कहा मेरे दिक्कत आ रही। ये देखो, ये इसके अंदर गोली होती है, इसको जो है ना ऐसे प्रेशर से ऊपर खींच के बंद कर देते हैं। पहले इधर सोडा फिल करते हैं और जब निकालते हैं तो फिर आपको निकालते हुए दिखाते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ये एक मिनट दिखाना है कैसे, एक मिनट ये दिखाना, इसके ऊपर रख के कैसे रखते हो, ये है क्या चीज़। आओ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज साकिब मूवीज और मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने ही एरिया में, लाहौर में। इस्लामपुरा की सीरीज चल रही है और बट मेरे साथ है उसके अंदर। मेरी अपनी मजबूरी है कि मैं इसको आपके बगैर कर नहीं सकता, आप इसको मेरे बगैर नहीं कर सकते। मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पे बट के बगैर काम नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इकट्ठे व्लॉग कर रहे हैं। अभी हम आज क्या क्या कवर करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे हम सबसे अहम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है गोली वाली बोतल। गोली वाली बोतल जो आपको पता है कि यूनिक है लाहौर में इस वक्त। वैसे उसे कुछ लोग बंटे वाली बोतल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम बचपन से चूँकि देखते हुए आ रहे हैं, पीते हुए आ रहे हैं, तो वो गोली वाली बोतल उसको कहते हैं। तो वो ऊपर ऐसे रखे ठक करके मार देते हैं, वो गोली नीचे से ले आती है, वो बहुत यूनिक थोड़ी रह गई हुई है। उसके बाद हम यहाँ से ट्राई करेंगे बट टिक्कियों वाला है, बहुत फेमस है यहाँ पे। बट की टिक्कियाँ बहुत पुरानी यहाँ पे चलती भी आ रही हैं, मैं छोटा सा था तब से खाता हुआ आ रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक बर्गर है, लपेटा बर्गर, तकरीबन मैं 10 साल पहले शुरू हुआ है, 10-12 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन भाई इसने आते ही जो है ना आ गया और छा गया ठा करके, और वो भी बट बर्गर और लपेटा बर्गर है वो। हाँ, बट बर्गर, बट टिक्के वाला बट बर्गर। और मैं चलना फिर कार। तो अभी ये सारा कुछ वीडियो में ट्राई करेंगे चला। पहले स्टार्ट करते हैं एक फ्रूट सैलेड से, फ्रेश फ्रूट सैलेड। यहाँ पे एक बंदा एक छोटी सी कार्ट में लगाता है, तो पहले उसे स्टार्ट करते हैं फिर बाकी वीडियो। फल नहीं कर रहे हैं तुम, खाते ही होने, जिंदगी जगह फल नहीं खाते। नहीं नहीं, वो जो फ्रूट है कोई बात नहीं, मैं भी पहली दफ़ा खाने लगूँ, लेकिन चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बंदा मैंने कराची से डाउनलोड किया, मैं आपको बताना भूल गया था भाई। ये देखो, इस आपकी वीडियो कर लीजिए ना, जितनी भी वीडियो में आप हो सबके नीचे कमेंट आते हैं ये बाबू राव लग रहा है भाई। ये अली अली जवेद है कराची से। मैं जब कराची गया था तो इन्होंने मुझे वहाँ पे होस्ट किया था, बड़ा मज़ा आया था। अब दोबारा कराची जाएंगे तो इन्हीं के पास जाएंगे इंशाल्लाह। जिस जिसने कराची में मुझे मिलना है इनको मिल ले पहले। कराची वाले आपको बहुत शिद्दत से याद यार, मैं खुद बहुत कराची को मिस कर रहा हूँ। सीरियसली मैं कराची को बहुत मिस कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ वजूहत की वजह से मैं नहीं जा पाया। अब गर्मी आ गई लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी आ जाएंगे, प्लान करें इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। तो ये हमारे साथ आज गेस्ट होंगे हमारे फ्रूट सैलेड वाले भाई हैं, हमसे वीडियो नहीं बनवा रहे, इनकी मर्जी। फूड ब्लॉगिंग में ऐसा भी होता है जब आप कहीं जाते हैं तो आपका इतनी इज्जत से लोग पेश आते हैं कि आपका दिल ही नहीं करता कि वीडियो बनाए। तो हम हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे, फूड सैलेड आपको पीछे नजर आ रही है, कार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। भाई को एतराज़ है कि हम उनकी वीडियो बनाए फरमा रहे हैं। मेरा एक बहुत बड़ा फेसबुक का ग्रुप है, उसके ऊपर मेरी वीडियो लगी हुई, तो आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, बनाएंगे। हम आगे चलते हैं बट टिक्कियों वाले के पास। हाँ जी, वो देखिए, वो मैं टिक्कियों वाले के पास चलते हैं। और आप लेके जा रहे हैं? हाँ, वहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, इज्जत ना करवा दी मेरी। वैसे एक बात, ये जो प्लाजा पीछे बन रहा है ना, यहाँ मेरे अब्बू की दुकान यहाँ पे होती थी, बिल्कुल सामने ये चिश्ती बुक डिपो, और चिश्ती बुक डिपो के बिल्कुल अपोजिट यहाँ मेरे अब्बू की दुकान थी। तो ये प्लाजा खत्म हो गया तो अब्बू की दुकान कहीं और शिफ्ट, घर के पास शिफ्ट हो गई है। बट टिक्कियों वाले के पास यार, आपके साथ कोई मसला है भाई? यार ये कुछ दिन पहले लाहौर आए थे और हम एक जगह पराठे कवर करने गए थे, पराठे वाले ने मैंने इन्नी गालां कटियां, इन्नी गालां कटियां, मैं जिंदगी में किसी ने इन गालां नहीं कटनी है। वो तब भी ये साथ है, उसने मुझे भगा दिया था। अभी ना एक और पॉइंट है, मैं आपको बट के पास समझा रहे थे, लेकिन आपको एक और पॉइंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे चाइनीज़ पिकअप लगती है, चाइनीज़ फूड्स उस पर लगता है, तो वो भी आपको दिखा देता। अच्छा, मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि ये फूड आपने, मैं रिकमेंडेड नहीं है फूड, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको बहुत अच्छा फूड है, हिडन जेम है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो हम खुद खाते हैं, मतलब काफ़ी देर से खा रहे हैं, बहुत मतलब जो मुझसे, मतलब मुझसे रिलेटेड चीज़ें हैं, आप इनको ऐसा कर सकते हैं, मुझसे एसोसिएटेड चीज़ें हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा खाता हूँ और हम बचपन से ये चीज़ें खा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं। ये वो चीज़ें सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने पैन कराची से टिकट कराओ और लाहौर आ जाओ इनकी तरह, ये वैसे ही आ जाएगा मेरे साथ आगे। यार ये है चिश्ती बुक डिपो, इससे बंद है, बड़ा फेमस पॉइंट है यहाँ का, ये बंद है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये पिकअप है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये है काशान चाइनीज़ मोबाइल फूड। तो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है, ठीक ठाक हो? आपका नाम क्या है? फैजान शेख। ठीक हो गया, आपके वालिद साहब उधर है, उनका नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन, अच्छा ये आप क्या बना रहे हो? चिकन फ्राइड राइस बना रहे हो, ठीक है। इसकी कितने की प्लेट बनती है? 330 की विद मंचूरियन। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये आपने पहले से राइस, एग फ्राइड राइस है, ये पहले से बना के रखे हुए हैं। अच्छा, ये स्पेशली क्या? ठीक हो गया। अच्छा, ये मंचूरियन है, ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? ब्लैक पेपर चिकन, ठीक हो गया। और ये क्या रखा हुआ आपने? इसमें डालते हैं ये सॉसेज में जो ऐड होता है। अच्छा, इसी ये वाला चिकन सॉसेज में ऐड करते हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चिकन फ्राइड राइस। अच्छा फैजान भाई,
ये कितना पुराना आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पे? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, ठीक हो गए। पहले गली में थे ना? कॉर्नर पे, आप गली अभी इधर आ गए हो, ठीक हो गए। ये मेन्यू, मेन्यू इनका ये है, मेन्यू आप देख लो, ये चीज़ें हैं इनके पास। और ये भी है, डील्स भी हैं कोई स्पेशल, ये आप चेक कर लें, अगर आप ट्राई करना चाहें तो इसको कर लें। ये अभी चाउमीन बना रहे हैं, अच्छा वेजिटेबल फ्राई कर रहे हैं अभी। ये हैं चाउमीन, ये नूडल्स आ गए, और ये गए इसके अंदर। ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर आ गई, और ये आ गया नमक। ये क्या था? चिकन पाउडर। अच्छा ठीक है, ये रेडी हो गया। जो कि मैंने आपको बताया है कि मेरा अपना एरिया है, तो यहाँ पे सारे मुझे अपने मिलते जा रहे हैं। ये मेरे चाचू है, रिश्ते मेरे चाचू लगते हैं। तो और कुछ दसना जाने वाले जी? ठीक है जी, ठीक है। चलो भी चाइनीज ट्राई करते हैं भाई। हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं भाई, हम खा नहीं रहे। थोड़े लोग कमेंट कर देने, मेहमान के लिए पूरी प्लेट अलग से लिया करें भाई। आप कमेंट करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं। आप ही सारा खाते। हाँ वही, खाते आप थे। रेगुलर नूडल्स हैं, वैसे नूडल्स जो चाइनीज यूज़ करते हैं वो मोटे वाले होते हैं, एग नूडल्स होते हैं ना वो? एग नूडल्स होते हैं ये, मेरे ख्याल एग नूडल्स नहीं है, कॉर्न नूडल्स है शायद, मेरा ख्याल है। स्टार्च वाले जो होते हैं ना, कॉर्न स्टार्च वाले, ये वो वाले नूडल्स हैं। वो वाइट बनानी आती है, लो जी। ये हमारे पास है चिकन मंचूरियन, नहीं चिकन चाउमीन नूडल्स। बिस्मिल्लाह। वो जो आप कह रहे थे ना स्टार्च नूडल्स हैं, ये स्टार्च नूडल्स हैं, एग नूडल्स नहीं है। एग नूडल्स तो बहुत नरम होती है ना। ये स्टार्च नूडल्स हैं, एवरेज टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है, लेकिन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कीमत भी तो देखिए ना आप, 200-250 रुपये में इतना बड़ा प्लेटर मिल रहा है। वैसे एक और बात भी है, इससे अच्छे ऑप्शन हैं मौजूद लाहौर के अंदर ही, स्ट्रीट फूड में ही, चाइनीज कार्ट के ऊपर ही, जैसा पिकअप था ना इस तरह, इसी के अंदर और भी ऑप्शन मौजूद हैं, और वहाँ पे एग नूडल्स आपको मिलते हैं। हाँ अच्छा 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 टेस्ट है उनका। बाकी अगर मैं ये खाऊंगा तो मैं सिंपल ट्राई करूंगा इसको, मैं किसी सॉस के साथ लगा के नहीं खाता इसको, क्योंकि फिर सिर्फ सॉस का फ्लेवर आता है, इसका फ्लेवर नहीं आता। अच्छा यार हमने ट्राई कर लिया, वैसे कैसे लगे आपको? गुजारा है, खाना पेट भर सकते हैं आप, बुरे नहीं है। 7 आउट ऑफ 10 गुजारा है, मतलब एवरेज है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, आप खा सकते हैं इसको। अभी हम जा रहे हैं बट टिक्कियों वाले के पास, उनसे जाके टिक्कियाँ ट्राई करेंगे। उनकी मेकिंग बहुत कमाल की है, उनके पास काली मिर्च वाली थोड़ी सी स्पाइसी होती है वो टिक्की, मैं आपको पहले बता दूँ, आप थोड़ी सी वो स्पाइसी रहेगी, काली मिर्च का फ्लेवर इसमें ज़्यादा होगा। ये पीछे आपको रश नज़र आ रहा है ना, ये देखो, ये कोयटा चाय पराठे वाले यहाँ पर रिसेंटली ओपन हुआ, ये कोयटा चाय पराठे वाले नजर ही आ रहे हैं। हाँ ये रिसेंटली ओपन हुआ, ये अन्ना ये सारा चाय का रात के टाइम वो चाय के होटल पे ही। हाँ लेकिन जो भाई कोयटा आलमगीर के लच्छे पराठे ना, कराची वाले बादराबाद के, वो बहुत आला है भाई, उसका लेवल ही हो रहा है। अच्छा यार ये मेन बाज़ार है इस्लामपुरे का, इसकी ये यहाँ पे आएंगे तो ये है बट टिक्कियों वाला। हाँ यार ये सड़क नूरी बिल्डिंग वाली साइड से, नूरी बिल्डिंग से आप आगे आएंगे तो ये लेफ्ट साइड पर आता है बट टिक्कियों वाला, इनके पास चलते हैं। ये भाई हैं जिन्होंने हमें बना के देने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? पहचाना मुझे कि नहीं पहचाना? कभी कभी मैं आपसे लेने आता तो ठीक है। आप कौन सी खा रहे थे? मैं अंडा टिक्की। कौन सी भाई? दाल वाली जो खुद खा रहे थे आपने, हमें वही बना के देने। आप चेक करें ये बात कि वो बंदा वही चीज़ खा रहा है जो वो बना भी रहा है, ये मैंने बड़े कम चीज़ देखी है ये। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? वीडियो देख के ना हैरान हो गया मैं आपको बड़ा यार, मेरे पास और कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, वही देख के आप फैन हो सकते हैं। पता चल गया यार, यहाँ पे भी अच्छा, ये भी रेस्टोरेंट अच्छा है यार, यहाँ से भी। बहुत शुक्रिया, बल्कि उधर अंदरून से ही हो गया। कैमरा देख के हाथ ला दे, आपका प्रैंक हो रहा है। ओके। ये हमारे साथ अली भाई हैं, इनके वालिद साहब ने काम, आपके वालिद साहब ने काम शुरू किया था ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अबू की दुकान सामने थी और अक्सर अबू इनसे लेके तो घर आते थे। मेरे अबू की दुकान थी वो सामने, मुबीन साहब जो TVVCR का काम करते, वो मेरे अबू हैं। हाँ ये अक्सर लोगों को नहीं पता। हाँ तो अबू अक्सर इनसे लेके आते थे घर, इनके वालिद साहब होते हैं, वालिद साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है इसलिए वो घर पे होते हैं। तो अभी अली भाई हैं, ये चला रहे सारा कुछ। तो अली भाई अभी आपके पास कौन कौन सा काम ज़्यादा आपका कौन सा आइटम चलती है दादा? अंडा टिक्की फेमस है। अच्छा एक स्पेशलिटी आपकी है, उसमें काली मिर्च तोड़ के डालते हैं।
ऐसे ही है स्टार्ट किया कीमा टका टक वगैरह। अच्छा कीमा भी हमने रिसेंट स्टार्ट किया है, ठीक है। चलें फिर कभी ट्राई करने आएंगे। अभी हम वो दिखा रहे हैं लोगों को जो हम खुद खाते हैं, बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। तो अभी महंगा है, हाँ कीमा वैसे भी महंगा और पैसे मैंने देने हैं। हम दाल वाली भी गुजारा करेंगे। अच्छा यार यहीं का सेटअप है, ये पुराना तवा है जिसपे ये सारा अंडा टिक्की वगैरह बनाते हैं। अभी थोड़ा तवे को थोड़ा साफ़ करेंगे, फिर नया इस पर माल आएगा। ये अहमद भाई हैं, अहमद भाई हैं, ये भी अली भाई के छोटे भाई हैं और बाट साहब के छोटे फरजंद हैं ये। अडी खालिस उर्दू। अच्छा तो अभी आप इस पर अंडा टिक्की इस पर बनाएंगे ना, वो दाल वाली वहाँ पे कीमा बन रहा है। चलो मैं कीमा देख लूँ इधर, यहाँ पे जनाब कीमा बन रहा है। ये मटन कीमा है, ये मटन कीमा की 500 की हाफ है, फुल हज़ार की, 500 की हाफ फुल हज़ार की है, 2500 का ठीक हो गया। तो कीमा आप कौन से हिस्से का लेते हैं, ये कौन सा कीमा खुद कोई हिस्से का लेके बनवाते हैं, पीस लगा खुद ही करते हैं, कौन सा पीस लेते हैं, कोई भी मतलब मिल जाए, ठीक हो गया ठीक हो गया। बारिश भी शुरू हो गई है और हमारा काम भी शुरू हो गया। जो ये अली भाई का क्रेडिट है बारिश, यार कोई बंदे ना कोई चक्कर है। हाँ फ्रूट सेलन वाले ने भी मना भी कर दिया कराची में भी, जब मैं पहले पॉइंट पे गया था ना, पहले पॉइंट पे याद है जब मैं गया था इदरीस ने हरी वालों के पास, वो कहते वीडियो नहीं बनानी निकलो यहाँ से, उधर भी एनजीओ है शुरुआत इतनी वैसे नहीं होती है। अब ये अली ने दे दिया, मैं आपको ये कहने आया था, उस तो बात बहुत कुछ हुआ, मैं आपको ये कहने आया था कि इनका कीमा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई, मटन कीमा 500 रुपये की हाफ प्लेट है और बहुत अलग लग रहा है, बहुत क्वालिटी का कीमा लग रहा है, पता नहीं खा के पता लगेगा कि चिली पाया है। और बाद में देखें फिलहाल अंडा टिक्की जी, ये मिर्चे काट रहे हैं इंग्लिश स्टाइल में लो जी, ये टमाटर आ गए हैं और ये मिर्चें आ गई हैं इसके अंदर, और ये अभी खांसी वाला काम शुरू होने लगा क्योंकि इसमें स्पेशल मिर्चें आती हैं तो फिर ना बहुत ज़्यादा फ्यूम उसका उठता है तो बहुत खांसी खूंसी आती है यहाँ पे खड़े होकर, मिर्ची मिर्ची देखना आसान नहीं है। ये आ गया मक्खन, ये जी यहाँ पे कट रहे हैं प्याज, ये प्याज कट के आएंगे इसके अंदर, ये प्याज आ गए, ये दाल है, ये चने की दाल है, सिर्फ दाल है, काली मिर्च और दाल है, ठीक हो गई। ये आप एक चम्मच एक प्लेट के साथ उठाते हैं, अच्छा तो ये आप एक टिक्की उठा रहे हैं ये एक चम्मच से, अच्छा ये जो आपने उठाई है ये एक टिक्की है, अच्छा सही हो गया। तुम शुरू हो जाओ फिर, ये आ गया नमक, ये आ गया मिर्च, नान आ गए लो जी, ये नान है स्पेशल तरीके से, इसको पहले पानी लगाया जाएगा। अच्छा ये बना के आपने रख लिया, अब इसी में से जाके देते रहेंगे, ये रेडी रहेगा। ये कितनी टिक्कियों का, ये कितनी प्लेटें बनी हैं अंदाजन, 8 फुल प्लेटें हैं, ठीक हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ओके स्माइल थैंक यू। इतनी हंस के मैंने आज तक किसी को सेल्फी नहीं दी, एक सही हो गया चले चलो तो जी आ गई हमारी प्लेट, ओए होए होए ये डबल प्लेट है यार, खांसी बहुत आती है यहाँ मिर्ची है इसमें। व्हाट्सएप मैंने आपको स्पेशल ओएलएक्स चीज़ मंगवाई है, अच्छा और मज़े की बात है कि वो चल के आएगी। अच्छा ये टिक्किया नहीं है, ये टिक्किया तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया ना, वो आए देखो ये खरीदा है बैठो तो, ये चीज वाकई मजे की है, हाँ ये भूख भी लगी है भी चीज मजे की। और ये आपको कराची में तो नहीं मिलती ना इस तरह की चीजें, मिलती है लेकिन ये नहीं मिलेगी, थोड़ी स्पाइसी है, ज़बान भी आपको हीट देगी। यहाँ से हम लेंगे टिक्की, ये असल में टिक्की इसमें ना इन्होंने अंडा टिक्की मिक्स कर दी हुई है, जैसे हमने देखा उसको बनाते हुए उन्होंने पूरा उसका टमाटरों का और प्याज का और सारा उन्होंने मैश करके प्रॉपर टकाटक बना के अंडा टिक्की बनाई हुई है। ये बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडा टिक्की में ना बहुत ज़्यादा आप टेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अंडा और टिक्की दाल की टिक्की आपको कितना टेस्ट दे देगी। लेकिन ये एक चीज़ की है, इसकी लेगेसी है कि 40-45 साल से सीन यहीं पे चल रहा है और ये चला रहे हैं, बच्चे भी चला रहे हैं, टेस्ट चेंज नहीं हुआ वाले सबके बाद, ये अच्छी बात है।
पहले सिंपल ट्राई करते हैं, उस बाद उसके बाद रायता डाल के साथ के कपड़े में हम बाइट ट्राई करेंगे उसमें। आपने कितने साल बाद खाई है आज ये टिक्की? 2 महीने बाद। इसमें ना जो मसाला रॉ आता है ना यार, मज़े की यार, काली मिर्च के भी चंक खाते हैं बीच में। आपने ना जज साहब को गलत टाइम पे बुला लिया, वो टक टक कर रहा है भावे डांस शुरू कर दे। इसका ना टेस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें है असल में दाल है और साथ में जो अंडे का हल्का सा फ्लेवर है, जो मसाले हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर है ना वो काली मिर्च का है, और काली मिर्च के फ्लेवर की वजह से ही इसको ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी टिक्कियों से। बाकी टिक्कियों में किसी में टमाटर का फ्लेवर ज़्यादा होता है, किसी में दाल का फ्लेवर ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा फ्लेवर ही काली मिर्च का है, और उसी वजह से मज़ा आ रहा है सारा। हल्की ज़बान पर हीट आती है, अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ज़बान पर ऐसे ऐसे मिर्चें लग रही होती हैं और हीट आ रही होती है, बड़ा मज़े का वो सीन लगता है, मज़ेदार चीज़ है। इसको थोड़ा सा रायता डालने तो बहुत अल्टीमेट एक चीज़ बनती है, वो ऑप्टिमम बाइट में आपको बना के दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आपको देख के मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लो जी यहाँ से हम इसकी ये थोड़ी सी लेंगे दाल की टिक्की, ये टिक्की आएगी तो इसके ऊपर बरसात आपकी वेर बनी, इसके ऊपर एक रायते की नहरें में हैदर ऐसे करके ये दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट। यार मैं आप बात दूँ आपको और डालें और क्यों? ये बहुत मज़ा आएगा, नहरें बहा दो रायते की ऊपर, नहरें बहा दो ऐसे ठंडा ठंडा है बड़ा मज़ा, इसको नहला दोगे, दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ बट टिक्कियों वाला इस्लामपुरा। बिस्मिल्लाह ये जो बाइट है ना भाई, मैं आपको बात दूँ अंडा टिक्की के अंदर ये रायते के साथ जो बाइट बनी है ना अल्टीमेट, बहुत कमाल। आपने पहले एक बाइट ली थी, एक मेरे हाथ से लो, ये लो उसे ट्राई करो। आ रहा मज़ा, इसका मज़ा ज़्यादा है। नर्सें ऐसी होती हैं जो सोए हुए मरीज को कहती हैं, उठा के कहती हैं नींद की गोली खा लो आपका टाइम हो गया, हालांकि वो पहले से सोया होता है, लेकिन आपने पहली दफ़ा ऐसा देखा होगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सोए हुए बंदे को उठा के कहते हैं भैया देखो रोटी खा ला, यही हुआ आज मेरे साथ, सोया हुआ था और मैंने ऐसे कहा आज भाई रोटी खा लो, हम वीडियो बना रहे हैं इस्लामपुर अपने एरिया में, तो इसको नाम बुला तो फिर ज्यादा हो जाएगी ना। किसके साथ बोला ये बात, फिर आपने काट देनी है। अभी हम जाएंगे गोली वाली बोतल पे, बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यहाँ से नज़र भी आ रही है ये बोतल। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं गोली वाली बोतल पीने के लिए अलनूर सोडा वाटर पे, बट के बिल्कुल सामने, बट ये नहीं वो बट टिक्कियों वाला, उसके बिल्कुल सामने के पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके पास चलते हैं। लोकेशन बड़ी सिंपल सी है, फिर समझाता हूँ आपको। अच्छा यार ये जो है ना सामने है बट टिक्कियों वाला, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये है अलनूर सोडा वाटर, अल मशहूर गोली वाली बोतल। क्या नाम है भैया आपका? आदिल। आपके वाले साहब होते थे यहाँ पे? हाँ जी। वो भाई बैठे हैं पीछे, उनका नाम क्या है? हमाद भाई। ठीक है, आपको कितनी देर हुई यहाँ पे? 2 साल हुए हैं। चलो सही है। अच्छा ये गोली वाली बोतल कितने की है? एक बोतल यार ये बोतल होती भाई, ये देखो ये इसके अंदर गोली होती है, इसको जो है ना ऐसे प्रेशर से ऊपर खींच के बंद कर देते हैं, पहले इधर सोडा फिल करते हैं और जब निकालते हैं तो फिर आपको निकालते हुए दिखाते हैं कैसे निकालते हैं इसको। कितने की बोतल है? 40 की। उसके अलावा आपके पास ये सोडा भी होता है? सोडा भी होता है, शेक भी हैं और शेक्स भी हैं, जूसेस भी हैं। ये एक मिनट दिखाना है कैसे, एक ये दिखाना इसके ऊपर रखे जरा कैसे रखते हो, ये है क्या चीज़? एक अच्छा ये कैप्स ही बनेंगे। ठीक हो गया ये वो गोली नीचे चली गई है, जाग ऊपर आ गई है और ये बोतल हम ऐसे पियेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं इसके बारे में, ये बोतल जो है ना किसी को हाथ में नहीं पकड़ाते क्योंकि बोतलें बहुत थोड़ी रह गई इनके पास, तो आपने आकर जिद नहीं करनी कि बोतल सारों हाथ चपड़ाओ, तो गिलास से वो आगे पी लेना, बड़ी मेहरबानी। लो जी ये इसमें नमक डालेंगे ना? नमक डालेंगे? हाँ नमक डलवाए यार इसमें। लो जी नमक थोड़ी थोड़ी पी लें, बने तो बाहर आ जाएगी। ओए होए भाट साहब यार ठंड में आ गई, नमक वारे वारे ओए अगे कर पीछे कर, भाट साहब मेरे तेने पता छड़ना नहीं है, नहीं उतर करके थले करो थले करो, नहीं भाई नहीं मैं मनु ऊपर इज्जत प्यारी है, जब बची नहीं तो क्या फायदा। लो जी ये कराची वाला मुंडा कपड़े गंदे करेगा अपने। वाह 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 उन्होंने फुल टाइम बात पर अच्छा उन्होंने पूरी खत्म कर ली पूरी, उसके बाद उन्होंने नमक हुआ यार ये बहुत वाला बोतल है यार, वैसे मजा आया यार, वैसे मजा भी है। गोली वाली बोतल आओ जी। इस टाइम जो है ना रात के 2:15 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं बट के पास शवारमा, बट शवारमे वाले के पास लपेटा बर्गर ट्राई करने के लिए, उसके बाद अभी भी रश लगा हुआ है भाई। ओए अब इंसान मन मुश्किल है जी। ये है पॉइंट बट जी शवारमा
اور ان کے پاس ہم ٹرائی کرنے آئے ہیں لپیٹا برگر. یہ انہوں نے برگر بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اب یہاں پہ اس کو انڈے میں لپیٹ دیں گے. ایک گاڑی آئی تھی, اس کے اندر ہوٹر لگا ہوا تھا, کوئی لوکل گاڑی تھی, وہ ایسے جگ رہا تھا جیسے پولیس کا سائرن, یہ پیچھے آپ کو شاید آواز آ رہی ہو, اور وہ ساروں نے دکانیں بند کر دی ہے سمجھ کے کہ پولیس کا چھاپا پہ آ گیا. یہ چکن ہے, چکن کی شامی بنانے لگے ہیں. اچھا شامی میں چکن بھی مکس کریں گے, باقی آپ دال ڈالیں گے اس کے اندر ساتھ میں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ فی الحال یہ ریشے والا چکن ہے, اس پہ مسالہ مسالہ آلریڈی لگا ہوا ہے سارا. دیکھیے چکن کے ساتھ جو ہے نا دال انہوں نے مکس کر لی اس کے اندر, اور ساتھ ابھی ہے نا اس کے کباب بنا کے رکھ لیں گے. یہ آ گئی مائنیز. بیٹر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا دل کرے آپ کہہ رہے ہیں, بٹ صاحب آپ بٹ صاحب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ جو ہے نا انہوں نے آلریڈی یہ بن کاٹ کے رکھے ہوئے ان کو جو ہے, اور کچھ جو ہے انہوں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے بن برگر. یہاں پہ ان کو صرف یہ کریں گے اس میں انڈا ایڈ کرتے جائیں گے, اس کو لپیٹتے جائیں گے. چار یہ جو اس طرح برگر پڑے نا یہ ہیں کہ پٹکے شکے لگی ہوئی ہیں, ابھی ان کے اوپر جو ہے نا یہ سلاد اور کیچپ وغیرہ ڈالیں گے, پھر اس کو بند کر دیں گے, اس کے بعد اس کو انڈے کے اندر ریپ کریں گے, اور جسے لپیٹا کہتے ہیں وہ اس کو بعد میں انڈے کے اندر اس کو لپیٹیں گے. پہلے کیا ڈالا ہے, پہلے چلی تھی, اب ٹماٹو کیچپ آئی ہے, سب چلی ہے. جناب یہ آ گئی مائنیز, یہ آ گئی پودینے والی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بہت والا یار. اب یہ ہو گئے بند. ایک برگر دو انڈوں میں لپیٹا جاتا ہے, یہ دو انڈے ہیں, اس کے اوپر ایک برگر لپیٹا جائے گا. یہ دو انڈے ہیں, دو انڈے ہیں نا, وہ دیکھو دو انڈوں کے ساتھ جاتا ہے نا لپیٹا برگر. یہ انڈے یہاں پہ بچھ رہے ہیں, اور انڈوں کا ایک کارپیٹ بنا کے اس کے اوپر برگر رکھ کے اس کو لپیٹ دیا جائے گا. برگر جو ہے انڈے کے اوپر آئے گا, اور پھر اس کو یہ لپیٹ دیں گے. اس کو نا کھانا چونکہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, تو اس کو یہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو نا ریپ کر دیتے ہیں کاغذ کے اندر. تو جس طرح ہم شورما کھاتے ہیں, تو ابھی ہم یہاں ویڈیو بنا رہے تھے, یہ چھوٹے سے بچے نے آگے پیچھے سے آواز دے کے پوچھے کہ ثاقب ہے, انہوں نے کہا ثاقب ہے. تو آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد موسیٰ. محمد موسیٰ, ماشاء اللہ, یہ پانچویں کلاس میں پڑھتے ہیں اور بہت اچھا بچہ ہے ماشاء اللہ. آپ ایسے کیا اس کے علاوہ آپ کو شوق ہے کوئی, آپ کو ویڈیو شوٹنگ بنانے کا ہے, چینل بنایا ہوا ہے؟ تھا لیکن اب نہیں, تو کوئی بات نہیں, پہلے پڑھائی کر لو, اس کے بعد یہ کام بھی کر لینا. ٹھیک ہو گیا, چلو بہت بہت شکریہ سر جی. ہاں آ گیا ولاگ میں یار, آپ کو یقین نہیں آ رہا. لو جی ابھی جو ہے نا ہم یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں, ہمارے پراپر کوئی جگہ یہاں پہ ہے نہیں, ویسے سیٹنگ ہے, ویسے سیٹنگ ہے لیکن رش بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم ذرا سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں. یہ سات تندور ہے, ان کی نا باقی خانی بہت کمال کی, ان کی تندوری باقی خانی ہوتی ہے ان کے پاس, اور بہت کمال قسم کی باقی خانی ہوتی ہے. یہاں پہ نا ایک بابا جی شربت بھی لگاتے تھے, پتہ نہیں وہ شربت آپ لگاتے ہیں کہ لگاتے ہیں, بالکل ساتھ اب نہیں لگاتے نا, ان کا شربت بھی بہت کمال تھا, اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور دکھاتا, لیکن اب وہ ہے ہی نہیں. تو ہم یہاں پہ نا ان کے پھٹے پہ بیٹھ گئے ہیں, یہاں بیٹھ کے ہم ٹرائی کرتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے سامنے لپیٹا, جتنی بھی ابھی تک بٹ نے لپیٹی ہیں نا, نہیں بٹ نے چھوڑی ہیں, وہ بھی میں نے لپیٹی ہیں ساری, اور یہ بھی لپیٹا. یہ ساتھ میں یہ ہماری ان کی اسپیشل ساس ہوتی ہے. علی بھائی, علی بھائی پہلے آپ لیں. لو جی یہ اوئے اوئے, اچھا انہوں نے وائٹ بھی ہیوی بنائی ماشاء اللہ, مایو لا کے فل ٹرینر ہے بھائی, ٹرینر مایو لا نہیں ہے گا. ملائی برگر آئی, ملائی برگر انگلش آیا, مزہ مزہ آیا, وہ شاید ڈائریکٹ کراچی پہنچ گیا. نہیں میں خود ٹرائی کروں گا. جی یہ مایو میں ڈپ کریں گے اس کو یہاں سے. اچھا ایک بات, ایک بات, بٹ نے کہا تھا کہ کراچی والا برگر جو ہے نا وہ وہاں سے بٹ جو ہے وہاں سے کراچی برگر سے لپیٹا کھاتا ہے,
میں نے جب بھی لے بیٹھا کھایا میں ان سے کھاتا ہوں. ان کی ایک اور چیز میں کو ان کا سینڈوچ بھی بہت اچھا ہے. ان سے سینڈوچ بھی ملتا ہے, ان سے ویسے پیٹری برگر بھی ملتا ہے. وہ بہت کمال کی چیز ہے ان کی. لو جی اس کو یہ ٹرائی کرتے ہیں سمپل, یہاں سے مایو لگا کے اور یہ تھوڑی سی کیچپ بھی لگا لیں گے. یہ جی لو, دس از دا فرسٹ بائٹ آف لپیٹا برگر فرام بٹ شوارما. کاغذ ہی کھایا تھا ابھی تو, بٹ سب کھا گئے تھے. بندو بسم اللہ. جو چکن میں مسالہ لگایا ہوا نا بہت زیادہ یار. ابھی بازار جو ہے وہ تقریباً 50% ہوا ہے, ابھی مزید رہتا ہے. اس میں سر ہم مزید کریں گے پورا کور کرنے کے بعد. پھر اگر ہو سکا تو آپ کو صبح کے ناشتے بھی یہاں پہ چیک کرا دیں گے جو سراؤنڈنگ میں ملتے ہیں. بازار میں تو کم ہے ناشتے اچھے والے, ویسے تو بہت سارے ملتے ہیں لیکن اچھے والے جو ناشتے ہیں وہ سراؤنڈنگ میں ملتے ہیں. ایک سنترہ کا چوک پہ ملتا ہے, ندیم کا نان چنے بہت کمال کے ہوتے ہیں. یہاں پہ گوشہ شیری ہیں, ان کی حلوہ بڑی بہت کمال کی ہے. اور یہ جو تھے ہمارے ساتھ مہمان تھے صوفی بناسپتی کی طرف سے, اور یہ مہمان تھے آئیوڈیکس کی طرف سے. تو آئیوڈیکس آنی بند ہو گئی ہے اس لیے اس کو بھی ہم بھیج دیں گھر. تو ابھی جو ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ سے ملاقات کرنی چاہیے اگلی ویڈیو کے اندر. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. دس از مائی انسٹاگرام, ڈونٹ فرگیٹ ٹو فالو مائی انسٹاگرام. آپ سے کب سے ہوتی ہے ملاقات ہوئی ہے, لائیو جاتا ہوں انسٹاگرام کے اوپر اور بہت کچھ شارٹ ویڈیوز آتی ہیں انسٹاگرام کے اوپر. آپ سے ملاقات کرنی چاہیے اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.